भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दीपक, क्या हुआ और चिल्ला क्यों रहे हो? और ये किस चीज की तैयारी करनी है? हितेश काका, धीरज रखिए, सब बताता हूँ मैं। अरे लगता है इसे भी भीम की तरह नोट करने की आदत पड़ गई है। ए दीपक, अरे क्या नौटंकी करने वाला तू आज है? ए शोभा, लाई के जा अपने दीपक का। ऐसे चिल्लावा तावा है जिस दुनिया के सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आओ है। आप सब लोग चुप रहिए। क्या है दीपक ये सब? आई, कल जब भीम भैया की परीक्षा का परिणाम सुनने हम सब लोग कॉलेज जाएंगे, तब सबके हाथ में एक तख्ती होगी जिस पर लिखा होगा जय भीम। दीपक, इस सब की क्या जरूरत है? कितनों को रोकेंगे भीम भैया, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। कल जब आपके परीक्षा का परिणाम सुनने सब लोग आपके साथ कॉलेज तक जाएंगे, तब सबके हाथ में ये तख्ती होगी और इस पर लिखा होगा जय भीम। कल ही दूसरी शादी कर लूंगा, मैं सीधे दूसरी बीवी को लेकर घर आ जाऊंगा। आओ मेघनाथ, आओ, आज तुम्हें भी तुम्हारी परीक्षा का परीक्षा फल दिया जाएगा, जिसके लिए तुमने भीमराव को सबक सिखाने का वादा किया था। बाबा आइए। एल्फिंस्टन कॉलेज की ओर से मैं यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों का और छात्रों का स्वागत करता हूँ। अब सभी छात्रों से निवेदन है कि कृपया शांत हो जाएं, ताकि आपके अंक पत्र को हम बता सकें और आपको प्रमाण पत्र दे सकें। अब मैं नाम पढ़ता हूं, आप सभी बारी बारी से आइए। पहला नाम है अभिषेक,
रुको, मेघनाथ को चाय देने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। तो आइए सब पंच मिलकर यह तय करते हैं कि मेघनाथ को क्या सजा दी जाए। एक मौका दीजिए मुझे बस, इस बार मैं भीमराव और उसकी पूरी जात को सही सबक सिखा दूंगा, बस बस एक मौका दे दीजिए मुझे। अरे क्या सबक सिखाओगे तुम, और कितने मौके दे तुम्हें, पहले भी बड़े बड़े वादे किए थे पर क्या हुआ, ना तो तुम उसको परीक्षा में बैठने से रोक पाए और ना ही उसको फेल करवा पाए, बल्कि आज इस समय वो कॉलेज में तालियों के बीच अपनी परीक्षा का अंक पत्र प्राप्त कर रहा होगा और सब तालियां बजा रहे होंगे। और अब आखिर में भीमराव, भीमराव तुमने ये परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की है, और इतना ही नहीं भीमराव ने इस परीक्षा के दो विषयों में पूरे के पूरे अंक प्राप्त किए हैं। और इसकी एक कॉपी पर कॉपी जांचने वाले शिक्षक ने लिखा है कि इसकी कॉपी को दृष्टांत के लिए कॉलेज में सुरक्षित रखना चाहिए। ताकि आने वाली पीढ़ी उस कॉपी को देखकर प्रेरित हो सके। आओ भीमराव और अपना अंक पत्र प्राप्त करो। चलो दूल्हा दुल्हन आगे बढ़ो, शादी की रस्म शुरू करो। मुझसे बाबा की बेइज्जती देखी नहीं जा रही है, मन तो करता है इन लोगों को ऐसा करारा जवाब दूं। धैर्य रखिए, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, अभी बस हमें बाबा को संभालना है। मेघनाथ, हम सब ने तुम पर भरोसा रख के तुम्हारे कंधों पर हम ऊंची जात वालों की इज्जत बनाए रखने की जिम्मेदारी दी थी, ये सोचकर कि तुम भीमराव को हमारी बराबरी करने से रोक सकोगे, पर क्या हुआ, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे और हर बार उससे हारते रहे, क्या इज्जत रही हमारी। मेघनाथ, अगर हम चाहें तो भाई इस भरी सभा में तुम्हारी पगड़ी उतार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हें इससे भी बड़ी सजा देंगे। और वो सजा ये है कि तुम तीनों बाप बेटों को हम अब अपनी जात में नहीं रखेंगे और तुम तीनों बाप बेटों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए अगले एक महीने के लिए तुम्हें जात से बाहर करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। मैं
में हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग। ऐसा ही करेंगे मेघनाथ, ताकि हम अपने जाति के लोगों को ये संदेश दे सके कि जो छोटी जाति के समक्ष हारते हैं उनका हम अपमान करके समाज से बाहर निकाल देते हैं। बहुत बहुत बधाई भीमराव। रुको भीमराव, मैं भीम के लिए कुछ कहना चाहता हूं। आइए सर। भीमराव, इस कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे कॉलेज के विद्यार्थी हो। तुम्हारी कॉपी को प्रेरणा हेतु रखने का सुझाव तुम्हारी कॉपी जांचने वाले शिक्षक ने दिया है। अगर सरकार हमें ऐसे आदेश देती हम जरूर तुम्हारी कॉपी को संग्रहित करके रखते ताकि आने वाली पीढ़ियों को तुमसे प्रेरणा मिले, तुम्हारी मेहनत और तपस्या को जाने और उससे कुछ सीखे। अब एक छोटी जात का व्यक्ति जिस माइक्रोस्कोप में अपनी आंख डालकर देखेगा उसी माइक्रोस्कोप में मैं भी अपनी आंख डालकर देखूंगा। गुरुजी छोटी जाति का होकर साइंस पढ़ेगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। हमने पहले ही कहा था इस भीम को दाखिला मत दो, अगर लेना भी है तो इसे साइंस मत पढ़ने दो। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ छोड़ छोड़ो मुझे। आवाज उठाते रहो क्योंकि डिग्री तो अब इस साल मिलने से रही और अगर मैं इस कॉलेज में रहा तो अगले साल भी डिग्री लेने नहीं दूंगा। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। जब भीमराव की परीक्षा शुरू हुई थी मैं चाहता था कि भीमराव पास न हो, वो फेल हो जाए, लेकिन कुछ परीक्षा खत्म होते होते मुझे लगा कि भीमराव को परीक्षा से रोका नहीं जाना चाहिए। अगर इसे परीक्षा देने से रोका गया और अगर ये पास नहीं हुआ तो फेल होगा ये कॉलेज, ये शिक्षण संस्थान और हम जैसे शिक्षा विभाग के लोग।
भीमराव, मैं अपनी तरफ से और हमारे सभी शिक्षकों की तरफ से क्षमा मांग रहा हूं। जो लोग तुम्हारी पढ़ाई में बाधा बने, अवरोधक बने, अब मैं ज्योतिबा फूले जी की संस्था से आए हुए लोगों से स्वयं आग्रह करूंगा कि वो आगे बढ़कर भीमराव का सम्मान करें। भीमराव, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं। भीम के सम्मान से भीम नेता बन जाएगा। भीम को नेता नहीं, योद्धा बनना है। और योद्धा जीत का भूखा होता है, ना किसी पद का और ना ही किसी सम्मान का। जो सच्चे योद्धा होते हैं वो लड़ाई के बाद सम्मान के लिए परेशान नहीं होते। तुम्हें भी लड़ते रहना है और तुम्हें भी आगे बढ़ना है तो सम्मान के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये हमारी तरफ से। रुकिए, इस सम्मान का हकदार सिर्फ मैं नहीं हूं, कोई और भी है। आइए मेरे साथ। इस सम्मान के हकदार ये सब भी है। क्योंकि अगर आप इसलिए मुझे सम्मानित करना चाहते हैं कि मैं किसी खास जात से हूं, तो फिर ये सम्मान उन सबका भी होना चाहिए जो भले यहां तक पढ़ने ना आ पाए लेकिन उन्होंने संघर्ष करके जो रास्ता बनाया उसी रास्ते पे से चलकर मैं यहां कॉलेज तक पहुंच पाया। इसलिए आज मैं इन सबका सम्मान करना चाहता हूं। रमा, ठीक है फिर, मैं कल ही दूसरी शादी कर लूंगा। मैं सीधे दूसरी बीवी को लेकर घर आ जाऊंगा। भीमराव, हमारी संस्था की तरफ से इसमें कुछ धन राशि है, तुम्हारी प्रोत्साहन राशि। मैं आप सबसे वादा करता हूं, इन पैसों से मेरी जात के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा ताकि ये प्रोत्साहन राशि सब में बढ़ सके। धन्यवाद। दूल्हा दुल्हन, एक दूसरे को माला पहना। बाला, अब तुम भी माला पहना, फिर शादी संपन्न हो जाएगी। बाला, तुम मेरे आई के भाई के बेटे हो, इस हिसाब से तुम मेरे भी तो कुछ लगते होगे ना, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कोई भी गलत काम करने नहीं दे सकती। ए शोभा, ये फालतू का ज्ञान मत बांट और ना ही जबरदस्ती के रिश्ते बना। तेरा नाटक बनकर और चली जाए यहां से।
वैसे भी शोभा काकी, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। मैं आपको अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता। जाइए यहाँ से, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूँ। बाला, मैं चली जाऊंगी, मगर पहले पूरा सच तो जान लो। क्या सच? क्या सच बोल रही है तू? अरे चाल में सब लोग जान गए, तू नहीं जान पाई? बाला की पत्नी करुणा किसी सुमित नाम के दूसरे लड़के से प्रेम करती है, और अगर वो दूसरे से प्रेम करती है तो ये बेचारा क्यों अकेला रहे? तो इसे भी तो साथी चाहिए ना, तो कर रहा है शादी, इसमें गलत क्या कर रहा है? कौन सुमित? यही सुमित ना? यही सुमित अब पूरा सच बताएगा। चल सच। कैसा सच? बाला भैया पूछिए इससे, यही बताएगा अभी। क्या बोल रहे हैं मालो जी, क्या है सच? कहीं ये ना कह दे कि ये मुझसे मिला है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें भी आप पढ़ने का अवसर दें, मेहनत करने का अवसर दें। आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कृपया करके आप हमारे रास्ते में बाधाएं पैदा मत कीजिए। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरा आज का परिणाम, मेरी डिग्री, मैं आप सबको समर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे गुरुओं को, मेरे परिवार के सारे सदस्यों को, मेरे चाल वालों का, अपनी जात के तमाम लोगों का जो आज मेरे लिए यहां उपस्थित है, फिर वो मेरे समर्थक हो या मेरे विरोधी। और बस जाते जाते आप सबसे एक वादा करना चाहता हूं, आज तक आप सबने जिस भी अपेक्षा के साथ मेरा साथ दिया हो, भविष्य में उन सबको पूरी करने की कोशिश करूंगा। इधर उधर क्या देख रहे हो, सच बताओ। मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, वरना मैं यही पटक के तुम्हें मारूंगा। जल्दी से बोलना शुरू कर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, मार डालूंगा तुझे। हाँ तो इसे मार ही डालो बाला, तुम ऐसे सच नहीं बताओगे ना। रुक जाओ, आज तो तुम्हें मार ही डालेंगे। सब सच बताता हूं, बता जल्दी।
मैं 2-3 बार मिला हूँ बस करुणा से, जानबूझ के मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था। बस इतना ही संबंध है और हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। जीजा भाई, इतने सालों से आपके साथ रहती आई हूँ, इतना तो जानती हूँ आपके बारे में कि ये जो भी सब किया धरा हो रहा है ना, ये सब आपका है। आप ना बस अब इंतजार कीजिए कि ये आपका नाम बताए, उसके बाद फिर क्या होगा वो आप देखिएगा। बता किसके कहने पे किया ये सब? तुम तीनों बाप बेटों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए अगले 1 महीने के लिए तुम्हें जात से बाहर करते हैं। बाबा आप उठिए ना। क्यों, क्या हुआ? आप उठिए तो सही। बाबा, हर किसी के लिए पिता वो किसान होता है जो अपने बच्चों के भविष्य की फसल तैयार करता है। जाहिर सी बात है, किसान जितनी मेहनत करेगा उतनी ही फसल अच्छी आएगी। आज आपको ये माला पहनाकर मैं हर उस पिता रूपी किसान का सम्मान करना चाहता हूं। धन्यवाद बाबा।